हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 इंग्लिश क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे एसबीआई क्लर्क 2018 के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम जो कि अभी आने वाला है इसके लिए, आरआरबी के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीजीडीएफ के लिए, और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश के ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए, ध्यान से सुनिए सारी चीज़ें, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बैंक पीओ ई कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बेटे, मोबाइल के थ्रू आप इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो ऑफलाइन कोर्सेज की अपेक्षा ना के बराबर है, एक बहुत ही कम फीस में। इसमें आप इंग्लिश सेक्शन की पूरी तैयारी और करेंट अफेयर सेक्शन की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। वैसे तो इस कोर्स की फ़ीस जो है वो 4,950 है, लेकिन अभी ऑफ़र एक चल रहा है और ये ऑफ़र वैलिड रहेगा केवल और केवल 30 जून तक रात के 10 बजे तक। और इस ऑफ़र के अंतर्गत इस कोर्स को आप केवल 1450 रुपये में, 1450 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और ज़्यादा डिटेल के लिए इन नंबर्स पर आप मुझसे कॉल एंड व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, वोकेबलरी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स में, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली भी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का क्या अर्थ होता है देखते हैं। इसके ऑप्शंस एक तो होता है, एक तो है इसमें प्रॉमिस्कुअस। प्रॉमिस्कुअस का अर्थ होता है जो अनैतिक व्यक्ति है, जो मोरली इनकरेक्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस्कुअस। वैग्रेंट का अर्थ होता है जो हमेशा घूमता रहता है, जो वॉन्डरर है, उसको हम बोलते हैं वैग्रेंट। डिस्पोंडेंट इसका सिनोनिम है, क्योंकि डिस्पोंडेंट लुगुब्रियस का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी, सैड और डिप्रेस्ड, ठीक है। डिस्पोंडेंट का अर्थ भी यही होता है। इनटेम्परेट, ठीक है, टेम्परेशन का अर्थ होता है परहेज करना, किसी चीज़ को एक लिमिट में करना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेशन। तो इनटेम्परेट का अर्थ होगा जो मॉडरेट नहीं है, जो एक्सट्रीम है। और इगैलिटेरियन, जो जो डेमोक्रेटिक है, जो जो बराबरी के लिए सोचता है सभी के लिए, उसको हम बोलते हैं इगैलिटेरियन। तो यहाँ पर इसका सही सिनोनिम जो होगा वो होगा डिस्पोंडेंट, ठीक है। इस वीडियो क्लास का इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, ये वीडियो क्लास हिंदी में रहेगा। और अपने सभी सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर वीडियोज़ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोड करता हूँ। तो इंग्लिश सेक्शन के, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं, साउथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी वीडियो क्लास में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मे हम, ठीक है। इस वर्ड को आपने निश्चित रूप से सुना होगा, देखा होगा, इस वर्ड को आपने द हिंदू न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। और मे हम का अर्थ होता है एक तरह का टुमुल्ट या कोलाहल या कैओस, ठीक है, शोरगुल, उसको हम बोलते हैं मे हम। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इनक्रोचमेंट का अर्थ होता है अतिक्रमण करना, कहीं पर इलीगली एंट्री ले लेना, दैट इज़ कॉल्ड इनक्रोचमेंट। बैकलैश होता है एक नेगेटिव रिएक्शन। बायंसी हम बोलते हैं चीयरफुलनेस को। हारमनी मतलब एक रूपता। तो इसका सही जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका बेडलम। बेडलम का अर्थ भी होता है आपका मेहम, अशांति या कोलाहल या शोरगुल, उसको भी हम बेडलम बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपोजिट इसका बताना है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं डिसइंसेंटिव। इंसेंटिव एक्चुअली क्या होता है, इंसेंटिव होता है किसी भी चीज़ का एक मेरिट या प्लस पॉइंट या फ़ायदा, और डिसइंसेंटिव होता है किसी भी चीज़ को डिसकरेज करने वाला कोई भी पॉइंट या कोई भी फैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड डिसइंसेंटिव, ठीक है। तो डिटरेंट भी बोल सकते हैं इसको, हम डिटरेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट आपको चाहिए। तो डिटरेंट तो इसका सिनोनिम हो गया। डिनंसिएशन का अर्थ होता है क्रिटिसिज्म। गेज का अर्थ होता है देखना। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है तारीफ करना। और डिसइंसेंटिव का जो अपोजिट होगा वो होगा एड या सपोर्ट, ठीक है, एड करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो ई इसका सही आंसर आपका होगा डिसइंसेंटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंश्राइंड का अर्थ क्या है। इंश्राइंड का अर्थ होता है किसी चीज़ को पवित्र करना, किसी चीज़ को स्पेल आउट करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या सेट आउट करना। जैसे कोई हम नियम कानून बनाते हैं कि इन नियम कानून को माना जाएगा क्योंकि ये नियम कानून पवित्र हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, उस सेंस में भी इंश्राइंड वर्ड का यूज़ होता है। इंश्राइंड का अर्थ होता है किसी चीज़ को पवित्र करना, तो सेंस में भी इसको हम यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा, यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा डेसिक्रेट, क्योंकि डेसिक्रेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को अपवित्र करना, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डेसिक्रेट। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डेसिक्रेट। अस्ट अस्ट वाइल का अर्थ होता है भूतपूर्व, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जैसे एक्स हम बोलते हैं उसी का सिरोनिम है अस्ट वाइल। एक्रूड मतलब जुड़ा हुआ, मैनिफेस्ट और एम्बॉडी तो इसके सिरोनिम होंगे। मैनिफेस्ट उसको बताना एक्सप्लेन करना, एम्बॉडी भी सेम है। तो एक अर्थ होगा यहाँ पर इनसाइन का, मतलब एंटोनिम जो होगा वो होगा यहाँ पर डेसिक्रेट, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं सिरोनिम और एंटोनिम के, और अब हम कुछ देखते हैं लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपके बैंक पीओ एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में ही पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया है ये अलग अलग तरीके से तीन पार्ट में डिवाइडेड है, और तीनों पार्ट को सिंथेसाइज करके आपको इसका एक सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंग वही निकले जो इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके आंसर होंगे कि ए है, बी है, सी है, ए या बी है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपके आंसर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एग्जाम में जो डायरेक्शंस दिए रहते हैं यहाँ पर, जैसे जो डायरेक्शंस दिया हुआ है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से एक्यूरेटली कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज गोइंग टू फेस सर्टेन चैलेंजेस, मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो कुछ चैलेंजेस फेस करने वाली है। दी चैलेंजेस वुड बी इमिनेंट इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, ये जो चैलेंजेस आएंगे ये अगले 20 सालों में आएंगे। फॉर सक्सेस इट मस्ट प्रिडिक्ट दीज चैलेंजेस नाउ, ठीक है, और सक्सेस के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री को इन चैलेंजेस को अभी प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं, इन द नेक्स्ट 2 डिकेड पेट्रोलियम इंडस्ट्री मस्ट फेस चैलेंजेस विच इट हैज नाउ प्रिडिक्टेड। देखिए इस सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि इट मस्ट प्रिडिक्ट, इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री को, चैलेंजेस को प्रिडिक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इट हैज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, यानी ए जो ऑप्शन है ये गलत है आपका, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, इफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री डिटर्मिन्स टू सक्सीड इन फेसिंग द चैलेंजेस विच आर लाइकली टू बी पोस्ड इन द नेक्स्ट 2 डिकेड इट मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट देम नाउ, मतलब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस के काफ़ी करीब है। इट मस्ट प्रिडिक्ट यहाँ पर भी आ रहा है, इट मस्ट प्रिडिक्ट दीज चैलेंजेस, और यहाँ पर भी आ रहा है इट मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट, ठीक है। तो बी सेंटेंस इसके काफ़ी करीब है। सी देखते हैं, ए पेट्रोलियम इंडस्ट्री वॉन्ट टू प्रिडिक्ट द चैलेंजेस, ये तो मीनिंग ही बिल्कुल गलत हो गया। अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री चैलेंजेस को प्रिडिक्ट करना चाहती है, इट इज़ लाइकली टू फेस इन द नेक्स्ट 2 डिकेड, इट मस्ट हैव टू फेस दैम, मतलब चैलेंजेस को यदि प्रेडिक्ट करना है तो उन चैलेंजेस को पेट्रोलियम इंडस्ट्री को फेस करना होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो बिल्कुल ही गलत है, इससे इससे मिल नहीं रहा है, और इसका मीनिंग भी गलत है। तो यहाँ पर केवल बी जो ऑप्शन है वो सही है, ए पेट्रोलियम इंडस्ट्री डिटरमिन्स टू सक्सीड इन फेसिंग द चैलेंजेस विच आर लाइकली टू बी पोज्ड इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, इट मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट देम नाउ। बी ऑप्शन इसमें सही है, इसके काफ़ी क्लोज है, यदि इसको सिंथेसाइज किया जाए इस सेंटेंस को, तो बी यहां पर इसका सही आंसर होगा। बी किस में दिया है, बी दिया है ई में, ओनली बी इज द राइट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें सिंथेसाइज करना है। 2 मैन कैन नाउ डू दिस जॉब, प्रीवियसली इट रिक्वायर्ड 16 मैन, मतलब जिस काम को पहले करने में 16 लोगों की जरूरत होती थी, 16 लोग लगते थे, अब उस काम को केवल 2 व्यक्ति कर सकते हैं। 2 मैन कैन नाउ डू दिस जॉब, प्रीवियसली इट रिक्वायर्ड 16 मैन, ठीक है। तो पहले इसका अर्थ आप अच्छी तरह से समझिए। अब आप यहां पर देखिए, 2 मैन कैन नाउ डू अ जॉब फॉर्मली रिक्वायर्ड 16, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग, इसका और इसका मीनिंग सेम निकल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 मैन इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस 16 कैन नाउ डू दिस जॉब, इस सेंटेंस का क्या मतलब है। इस सेंटेंस का मतलब है कि पिछले 16 जो लोग थे उनके बजाय अब केवल 2 लोग इस काम को कर सकते हैं। देखिए यहां पर इसका मीनिंग एकदम गलत निकल रहा है, इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस 16 मतलब पहले जो निश्चित 16 लोग थे, ठीक है, उन लोगों की बजाय केवल 2 लोग इस काम को अब कर सकते हैं, तो मीनिंग इसका निश्चित रूप से गलत निकल रहा है। इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस 16, देखिए यहाँ पर दा लगा हुआ है, तो दा का मतलब हुआ कि प्रीवियस 16 जो निश्चित प्रीवियस 16 थे, जबकि कोई भी हो सकते हैं प्रीवियस 16, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सेंस निकल रहा है ये गलत निकल रहा है।
ठीक है, और सी देखते हैं, इन प्लेस ऑफ टू मैन हु कैन डू दिस जॉब नाउ देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ 16 मैन इन द पास्ट। तो ये तो बिल्कुल ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि प्रीवियसली 16 लोग इस काम को कर सकते थे, अब केवल दो ही कर सकते हैं, और इसमें तो बिल्कुल सेंस ही लगने निकल रहा है। इन प्लेस ऑफ टू मैन हु कैन डू दिस जॉब नाउ देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ 16 मैन, मतलब दो लोगों की अपेक्षा अब 16 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये तो अपोजिट हो गया इसका। ठीक है, तो सी भी इसमें बिल्कुल गलत हो गया, यानी केवल ए इसका सही सिंथेसिस है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ओनली ए। आई होप कि आपको ये समझ में आया, और इस वीडियो क्लास को आप 2 या 3 बार आप देखेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। अभी ये क्वेश्चंस देखिए, सारे बैंकिंग एग्जाम में जो पैटर्न आएगा आपका वो बदल बदल के आएगा, तो इसलिए आपको जितनी ज़्यादा वैरायटी की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, पर्टिकुलरली मेन्स एग्जाम के लिए। ठीक है, और इस तरह के जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से ही आपका सिलेक्शन होता है बैंकिंग एग्ज़ाम में, इनकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस मैं अपने ई कोर्सेज में करवाता हूँ। तो हमारे ई कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। देवर क्यूरियस, ठीक है, वो लोग जिज्ञासु थे, वो जानना चाहते थे। देवर क्यूरियस, दे आस्क अस के क्वेश्चन, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था? दे वॉन्टेड टू नो वाई वी हैड लेफ्ट द कम्फर्टेबल होटल एंड गोन टू द डेजर्ट, मतलब हमने कम्फर्टेबल होटल क्यों छोड़ दिया था और हम रेगिस्तान में क्यों चले गए थे, इस बारे में वो लोग क्यूरियस थे, जानना चाहते थे। ठीक है, अब इसको हम यदि सिंथेसिस करें तो देखते हैं कि क्या बन सकता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे इंक्वायर्ड वाई दे हैड गोन टू द डेजर्ट लीविंग द कम्फर्टेबल होटल। ये सही है बिल्कुल, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा वश उन्होंने पूछा कि वो लोग डेजर्ट में क्यों चले गए थे कंफर्टेबल होटल को छोड़ के। तो ये तो सही है, इसमें ये तो सही है। दे आस्क्ड अस व्हाई वी वर क्यूरियस, देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्यूरियस क्यों थे। ठीक है, जबकि इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछने वाला क्यूरियस था, इसमें यह बोला जा रहा है कि हम क्यूरियस क्यों थे। ठीक है, तो ये बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो गया। अब हम पढ़ते हैं सी, दे वर क्यूरियस टू नो द रीजन फॉर लीविंग द कंफर्टेबल होटल एंड गोइंग टू द डेजर्ट। तो ये भी सही है इसमें, यानी इसमें ए और सी इसमें सही है। ठीक है, बी इसमें गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा ओनली ए एंड सी, क्योंकि बी इसमें गलत है। तो यहां पर आपका जो सही चॉइस होगी वो होगी सी। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे कुड प्ले एक्सीडिंगली वेल, दे वर डिफीटेड इन द लास्ट राउंड, द कैप्टन मोटिवेटेड देम टू ओवरकम द डिफीट। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? वो लोग बहुत अच्छा खेल पाए, दे कुड प्ले एक्सीडिंगली वेल, वे लोग बहुत अच्छा खेल पाए। ठीक है, क्यों खेल पाए बहुत अच्छा? क्योंकि द कैप्टन मोटिवेटेड देम टू ओवरकम द डिफीट, क्योंकि लास्ट राउंड में वो लोग हार चुके थे। दे वर डिफीटेड इन द लास्ट राउंड, लास्ट राउंड में वो लोग डिफीट हो चुके थे। ठीक है, और उसके बाद जब कैप्टन ने उनको मोटिवेट किया तो उसके बाद वो बहुत अच्छा खेल सके। अब इसको हमको सिंथेसाइज करना है, द कैप्टन्स मोटिवेशन हेल्प देम टू ओवरकम द अर्लियर डिफीट एंड प्ले एक्सीडिंगली वेल। ये सही है, डिस्पाइट अर्लियर डिफीट दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल ड्यू टू द कैप्टन्स एफर्ट टू मोटिवेट देम। ये भी सही है, डिस्पाइट द कैप्टन्स मोटिवेटेड दे वर डिफीटेड। ये गलत है, इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि कैप्टन के मोटिवेशन के बावजूद दे वर डिफीटेड अर्लियर, वो लोग हार गए थे, जबकि ऐसा नहीं है। यानी इसका मीनिंग बिल्कुल ही गलत निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल ए और बी जो हैं ये सही है, इसके काफ़ी करीब हैं, काफ़ी क्लोज हैं, और इसको यदि सिंथेसाइज किया जाए तो ये सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ए और बी इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिज मैरिज इज एट ए फार ऑफ प्लेस, आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरटेक सच ए लॉन्ग जर्नी टू अटेंड इट, इन फैक्ट देयर इज नो अर्थली रीजन टू जस्टिफाई सच ए लॉन्ग जर्नी। इस सेंटेंस का पहले मतलब समझना है आपको अच्छे तरीके से। हिज मैरिज इज एट ए फार ऑफ प्लेस, उसकी जो शादी हो रही है वो बहुत ही दूर के स्थान पर हो रही है। आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरटेक सच ए लॉन्ग जर्नी टू अटेंड इट, मैं इस मैरिज को अटेंड करने के लिए इतनी लंबी यात्रा नहीं करना चाहता। इन फैक्ट देयर इज नो अर्थली रीजन टू जस्टिफाई सच ए लॉन्ग जर्नी, और इतनी लंबी जर्नी को करने का कोई मटेरियलिस्टिक, कोई प्रैक्टिकल रीजन मुझे दिखाई नहीं देता है।
अब यहां से पढ़ते हैं, देयर इज नो रीजन टू जस्टिफाई सच ए डिस्टेंट प्लेस फॉर हिज मैरिज. इस सेंटेंस का देखिए क्या मतलब है. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उसकी शादी इतनी दूर हो रही है, इसको जस्टिफाई करने का कोई रीजन नहीं है. मतलब ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है. देयर इज नो रीजन टू जस्टिफाई सच ए डिस्टेंट प्लेस, मतलब उसकी शादी जो है, उसकी जो मैरिज है, इतने दूर स्थान पर हो रही है, इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. मतलब इस सेंटेंस में कुछ अलग ही बोला जा रहा है. तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो गया. यहां पर हम देखते हैं, देयर इज नो अर्थली रीजन फॉर मी टू अंडरटेक अ लॉन्ग जर्नी टू अटेंड हिज मैरिज. ये सही है. नेक्स्ट हम देखते हैं, बिकॉज हिज मैरिज इज एट ए फार ऑफ प्लेस, आई वुडंट बी एबल टू अंडरटेक सच ए लॉन्ग जर्नी एज इट इज नॉट जस्टिफाइबल. ये भी सही है. इसमें यानी बी और सी इसमें सही है. ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी. ये कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन हैं. इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो खाली स्थान है उसमें आपको एक सेंटेंस फिल करना है, ताकि ये पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है. न्यू पैटर्न के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं. व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड थ्रोइंग रॉटन एग्स टुवर्ड हिम. अब देखिए, व्हेन नो सूनर के साथ तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि नो सूनर के साथ तो देन जुड़ता है, तो ये तो गलत हो गया. नॉट मच बिफोर ही स्टूड अप, इस तरह के पैटर्न भी व्हेन के साथ नहीं जुड़ते, ये भी गलत हो गया. और हार्डली जो होता है वो वैन के साथ जुड़ता है, नो सूनर जो होता है वो देन के साथ जुड़ता है. तो इसलिए ही हैड हार्डली स्टूड अप, ही हैड हार्डली स्टूड अप, वह मुश्किल से खड़ा ही हुआ था कि ऑडियंस ने रॉटन एग्स यानी सड़े हुए अंडे उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया. तो इसलिए इसमें सी जो ऑप्शन है ये सही है. यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली सी, यानी ए आपका सही आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन. चलिए आगे देखते हैं. सेक्रीफाइस देयर ओन सेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन. कौन कौन से फ्रेजेस यहाँ पर जुड़ सकते हैं ये हम देखते हैं. नॉट ऑल मैन डिवोटेड टू सोशल सर्विस सेक्रीफाइस देयर ओन सेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन. मतलब वो सारे लोग नहीं जो कि सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं. तो ये जो पार्ट है ये जुड़ सकता है इसमें. नॉट ऑल मैन डिवोटेड टू सोशल सर्विस सेक्रीफाइस देयर ओन सेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन. तो ये जुड़ सकता है यहाँ पर. ठीक है, ओनली डेडिकेटेड मैन सेक्रीफाइस देयर ओन सेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन. ये भी जुड़ सकता है, ये सही है. इन एक्सेप्शनल केसेस सर्टेन एंटी सोशल एलिमेंट्स सेक्रीफाइस देयर ओन सेल्फ, ये भी जुड़ सकता है यहाँ पर. ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा एनी वन ऑफ द थ्री. क्योंकि ये तीनों ही सेंटेंस यदि आप यहाँ पर रखें तो आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस यहाँ पर रखें तो आपका ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. यानी आपका आंसर होगा एनी वन ऑफ द थ्री. ठीक है, इस तरीके से आपको इनको लॉजिकली करना है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. नेचुरल कैलेमिटी सच एज फ्लड अर्थक्वेक एटसेट्रा अकर सो सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली दैट, मतलब जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे फ्लड्स हुआ, अर्थक्वेक्स हुआ, ये इतनी जल्दी और इतनी अचानक से होती हैं, बिना किसी उम्मीद के होती हैं कि, अब इसके बाद की के बाद क्या भर सकते हैं, कि पीपल गेट हार्डली एनी टाइम टू सेव देमसेल्फ्स. बिल्कुल सही है ये, कि लोगों को समय नहीं मिलता कि वो अपने आप को बचा सकें. तो यहाँ से यदि आप ए ऑप्शन इसमें रखते हैं तो बिल्कुल सही इसका सेंटेंस यहाँ पर बन सकता है. मैन रियलाइजेज हिज लिमिटेशंस एंड सुप्रीमेसी ऑफ नेचर. देखिए, लिमिटेशंस की बात हो रही है और सुप्रीमेसी ऑफ नेचर की बात हो रही है. इसमें ये कहा जा रहा है सेकेंड सेंटेंस में कि एक व्यक्ति की जो पावर है वो लिमिटेड है, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन गॉड की जो पावर है वो सुप्रीम है और वो लिमिटलेस है. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम कब रख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन हम तब इसमें लगा सकते हैं जैसे एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, उसको टीबी या कैंसर हो गया और उस व्यक्ति को हम बचा नहीं सकते, डॉक्टर सारे हेल्पलेस हो गए हैं, तब हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति की कुछ लिमिटेशंस हैं और जो नेचर है वो सबसे ऊपर है. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में इस सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं बी को. लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर तो हम ये बोल रहे हैं कि फ्लड्स, अर्थक्वेक,
जो होते हैं वो इतने सडन और अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि उनसे बचा नहीं जा सकता। मतलब बी वाला सेंटेंस यहां पर नहीं लगाया जा सकता। डेवस्टेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। अगर कोई चीज़ अचानक होती है या अनएक्सपेक्टेड होती है तो उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं की है, वो चीज़ अचानक हो गई है। तो इसलिए सी इसमें निश्चित रूप से आ सकता है, ए आ सकता है इसमें, लेकिन बी नहीं आ सकता, क्योंकि बी का जो सेंस है वो थोड़ा सा अलग निकल रहा है। ठीक है, यदि कोई चीज़ अचानक होती है और अनएक्सपेक्टेडली होती है तो ये मैन का लिमिटेशन नहीं है, इसमें लिमिटेशन का कंसर्न नहीं है। लिमिटेशन तो हम तब बोलेंगे जब हम किसी व्यक्ति को कोई कोई सीवियर डिजीज़ हो गई और उसको हम बचा नहीं पा रहे, या हमारे उसको बचाना हमारे हाथ में नहीं, ठीक है, वो केवल गॉड के हाथ में है, तब हम इस तरह से जो बी ऑप्शन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर केवल ए और सी जो है वो सही हैं, और इसमें ऑप्शन भी दिया है, देखिए ओनली ए एंड सी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुअर स्टूडेंट्स हैड मैनेज टू कम आउट सक्सेसफुली विथ फ्लाइंग कलर्स। जो गरीब व्यक्ति थे, जो गरीब स्टूडेंट्स थे, वो सक्सेसफुल हो गए थे और काफ़ी अच्छे ग्रेड्स के साथ वो सक्सेसफुल हुए थे। द पुअर स्टूडेंट्स हैड मैनेज टू कम आउट सक्सेसफुली विथ फ्लाइंग कलर्स। तो इसमें क्या क्या जुड़ सकता है, देखिए डिस्पाइट लैक ऑफ रिसोर्सेस, साधनों की कमी के बावजूद जो पुअर स्टूडेंट थे वो सक्सेसफुल हो गए। यानी यहाँ पर ए जो है वो आप निश्चित रूप से यहाँ पर आप करेक्टली आप फिट कर सकते हैं। ओइंग टू एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का क्या मतलब हुआ कि खराब परिस्थितियों के कारण, क्योंकि ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, खराब परिस्थितियों के कारण स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गए। क्या ऐसा कहना सही होगा? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये गलत होगा। और यहाँ पर आप देखिए, इट वॉज ए मेयर कोइंसिडेंस, मतलब ये केवल एक इत्तेफाक था कि पुअर स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गए। मतलब ये जो सेंटेंस है ये इससे मेल नहीं खाता, ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर इत्तेफाक की और ट्रेजडी की कोइंसिडेंस इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल ए जो है ये इसमें करेक्टली फिट हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ओनली ए। क्वेश्चन 10 देखते हैं। दे अप्रिशिएटेड माई एक्ट ऑफ ब्रेबेडो बिकॉज द लाइफ आई सेव्ड वॉज। उन्होंने मेरी बहादुरी की प्रशंसा की क्योंकि मैंने जो लाइफ को बचाया था वो कैसी थी। बिकॉज द लाइफ आई सेव्ड वॉज इनसिग्निफिकेंट फॉर देम। यदि वो लाइफ इनसिग्निफिकेंट होगी उनके लिए तो वो मेरी तारीफ क्यों करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन का सेंस नहीं बन रहा, ये गलत है बिल्कुल। एक्सट्रीमली प्रेसियस, चूंकि वो लाइफ एक्सट्रीमली प्रेसियस थी, बहुमूल्य थी, इसलिए उन्होंने मेरी प्रशंसा की। यानी यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। रेविरेंट टू डैम, मतलब मैंने जो लाइफ बचाई वो उनके लिए पूजनीय थी, इसलिए उन्होंने मेरी प्रशंसा की। यानी यहाँ पर बी और सी जो ऑप्शंस हैं ये इसमें फिट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली बी एंड सी, ये यहाँ पर आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द हेल्थ मिनिस्टर, ये डबल फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। द नीड टू मेक द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अवेलेबल टू द कॉमन पीपल एंड इट्स रीच। रीच के साथ क्या वर्ड जुड़ सकता है? रीच को हम क्या करते हैं? रीच को हम फैलाते हैं, उसको वाइडन करते हैं, और वाइडन जो ऑप्शन है वो केवल फर्स्ट में दिया है। ठीक है, वाइडन इट्स रीच, मतलब हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है उसको कॉमन मैन को अवेलेबल कराया जाए और उसकी रीच को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसलिए अंडरस्कोर्ड का मतलब हाईलाइटेड होता है, तो यहाँ पर आपका ए जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। द हेल्थ मिनिस्टर स्ट्रेस्ड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, दबाव तो आएगा ही नहीं। हेल्थ मिनिस्टर इम्फेसाइज हो सकता है, लेकिन इसमें जो अपोजिट वर्ड दिया है, रिस्ट्रिक्ट थोड़ी करेंगे हम उसकी रीच को, हमें तो उसकी रीच को बढ़ाना है, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। एक्सटेंड इट्स रीच हो सकता है, लेकिन स्पॉटेड द नीड, ये थोड़ा कहना का थोड़ा सा गलत होगा कि हेल्थ मिनिस्टर ने उसकी उसकी नीड को स्पॉट किया, पता लगाया, तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है। और रिपीटेड द नीड, देखिए रिपीटेड वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी जगह रिएटरेट हम बोल सकते हैं। और नैरो इट्स रीच, नैरो और रिस्ट्रिक्ट तो एक ही वर्ड है, तो नैरो भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अंडरस्कोर्ड एंड वाइडन। आई होप कि आपको ये समझ में आया ये एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्सट्रीम वेदर, वेदर के साथ तो केवल कंडीशन वर्ड ही जुड़ सकता है।
वेदर कंडीशन हम बोलते हैं ना, तो वेदर के साथ तो केवल कंडीशन वर्ड ही जुड़ सकता है। कंडीशन किस में दिया है? कंडीशन केवल सेकंड में दिया है। आपका आंसर निकल के सामने आ गया। ये होते हैं वर्ड कॉम्बिनेशंस। यदि वर्ड कॉम्बिनेशंस आपको अच्छी तरह से पता होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लाइफ के साथ क्लेमिंग वर्ड आता है, ठीक है, किलिंग वर्ड पीपल के साथ आता है, लाइफ के साथ नहीं। लाइफ के साथ केवल क्लेमिंग वर्ड आता है, तो इसलिए यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑन द वर्ल्ड टोबैको डे पीएम मोदी द हार्म्स, पीएम मोदी ने हार्म्स बताई, हार्म्स को क्या किया, एसोसिएटेड विद द टोबैको कंजम्पशन एंड प्रेस्ड फॉर रिड्यूसिंग द, देखिए टोबैको की प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा हेडेक है, वो डिलाइट नहीं है, तो डिलाइट तो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। प्लेग आ सकता है, मैनेस आ सकता है, रिस्क आ सकता है। मैनेस अच्छा वर्ड है, एक मैनेस का मतलब होता है बहुत बड़ी ये परेशानी है, और सोशल जो प्रॉब्लम होती है उस सेंस में हम मैनेस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैनेस यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। और मैनेस के पहले क्या वर्ड दिया है? मैनेस के पहले दिया है हाईलाइटेड, तो हाईलाइट किया पीएम मोदी ने इस चीज़ को, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द विजिट विल फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च विद बोथ कंट्रीज एक्सप्लोरिंग वेज टू, देखिए यहाँ पर क्या वर्ड चाहिए आपको? यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च, इसके इक्विवेलेंट एक वर्ड चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड एक सीक्वेंस में एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? मॉडर्नाइजेशन आ सकता है, न्यूनेस थोड़ा सा गलत है, इनोवेशन सही है, स्टैग्नेशन तो नेगेटिव वर्ड है, मॉडिफिकेशन नहीं आएगा, मॉडिफिकेशन का मतलब तो होता है चेंज करना, तो इनोवेशन लगा के देखते हैं। द विजिट विल फोकस ऑन इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च विद बोथ कंट्री एक्सप्लोरिंग वे टू इन्हेंस म्यूचुअल एक्सचेंजेस, बिल्कुल सही है, म्यूचुअल पार्टनरशिप को हम इन्हेंस करना चाहिए हमें दो कंट्रीज़ को, तो इसमें सी सही है इसमें आंसर। बाकी सारा, स्टैग्नेशन तो नेगेटिव वर्ड है, मॉडिफिकेशन इनएप्रोप्रिएट है, न्यूनेस इस तरह से यूज़ नहीं होता न्यूनेस, और म्यूचुअल एक्सचेंज को हम एलिवेट नहीं करते हैं तो एलिवेट वर्ड नहीं आएगा। मॉडर्नाइजेशन आ सकता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ फिर एप्रिशिएट वर्ड नहीं जाएगा, वे टू एप्रिशिएट म्यूचुअल एक्सचेंजेस, ठीक है, तो इसलिए इसमें सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउएवर द प्रपोज्ड बिल डजंट इंक्लूड द टू क्रूशियल प्रोविजन फॉर टेकिंग ऑफ द लैंड ओनर एंड द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बिल की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है और दूसरी जगह उनको बसाया जाता है, उसकी इसमें बात हो रही है। तो उनको विस्थापित करने से पहले उनका कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, और ये जो ऑफ वर्ड है ये कंसेंट के साथ भी जुड़ सकता है, तो इसलिए इसमें कंसेंट वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। हाउ एवर द प्रपोज्ड विल डजेंट इंक्लूड द टू क्रूशियल प्रोविजन फॉर टेकिंग कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर एंड द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, इसमें ई आपका सही आंसर इसमें आपका होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक्सप्लेन किए हैं, और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा इस चैनल पर। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएँ, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल के टाइम पर मिलेंगे। और कोई क्वेरी है तो मुझसे इन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। यदि आप ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 तारीख से पहले आप ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें भी एक ऑफर चल रहा है और इसमें आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट इस ई कोर्स में दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारा जो इस वीडियो क्लास का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप ज़रूर विजिट करें, और हमारा एक ऑफर चल रहा है 6 ऑसम ई बुक्स का, जिसमें 2500 वर्ड्स आप कवर कर सकते हैं बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और हमारे ई कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें ई बुक्स और पीडीएफ सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।